हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। रिसेंटली स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी। स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है इंडिया की फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी। किस स्टेट में ये है? असम में किया गया है। Recently, which state has set a target of becoming a $500 billion economy by 26 to 27? किसने टारगेट किया है? कौन सा स्टेट है जिसने बोला है कि $500 billion इकॉनमी बनेगा 2026 से 2027 तक? तो ये बनेगा गुजरात। Which country has recently launched Peregrine 1 lander for the moon in a historic lunar mission? इनका हिस्टोरिक एक लूनार मिशन हुआ है जिसमें इन्होंने लॉन्च किया है पेरेग्रिन 1 लैंडर। तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। हु विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी रिसेंटली इन जुलाई? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को चेयर करने वाला है इंडिया, जो जुलाई में होगा। हाउ मैनी प्लेयर्स इंक्लूडिंग मोहम्मद शमी हैव बीन ऑनर्ड विद द अवार्ड रिसेंटली? अर्जुन अवार्ड्स। ओके, अर्जुन अवार्ड से ऑनर किया गया है मोहम्मद शमी के साथ। और कितने लोग हैं? ये 26 लोग हैं मोहम्मद शमी जी को लेकर। रिसेंटली इन विच कंट्री हैज़ माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड एआई ओडिसी टू ट्रेन 1 लाख डेवलपर्स? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है एआई ओडिसी 1,000-1,00,000 डेवलपर्स को ट्रेन करने के लिए। ये किया गया है इंडिया में। रिसेंटली वेयर विल द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंस्टॉल सोलर रूफ्स इन 25,000 हाउसेस? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया है सोलर रूफ्स इन 25,000 हाउसेस। कहाँ पे? वाराणसी में। Which country has recently passed a bill banning the consumption and sale of dog meat? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली पास्ट किया है बिल फॉर बैनिंग ऑफ कंजम्पशन एंड सेल ऑफ डॉग मीट्स? ये पास किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। Who has recently been appointed by PhonePe as the CEO of its international payments division? PhonePe के द्वारा अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ इट इंटरनेशनल पेमेंट डिवीजन। तो ये किया गया है रितेश पाई जी को। हु हैज रिसेंटली वॉन द यूनाइटेड कप 2024 टाइटल? यूनाइटेड कप 2024 टाइटल वॉन किया गया है अभी अभी जर्मनी के द्वारा। Which new form of coronavirus has recently been declared as variant of interest by WHO के द्वारा बताया गया है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है कौन से कोरोना वायरस का? तो ये बताया गया है JN1 को। Which law will be replaced by National Telecom Bill 2023 recently passed by Parliament? पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया National Telecom Bill 2023 आया है। ये किस एक्ट को रिप्लेस करेगा? ये रिप्लेस करने वाला है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को। विच कंट्रीज लेजेंडरी फुटबॉलर फ्रेंच बैकबॉसर हैज पास्ड अवे रिसेंटली? कौन सी कंट्री के हैं ये? ये हैं जर्मनी के। 78 की एज में इनका निधन हुआ है। Recently, where will Prime Minister Narendra Modi inaugurate India's biggest global trade show? Prime Minister Narendra Modi ne global trade show launch inaugurate kiya hai. Ye kiya hai Gandhi Nagar mein. How many Indian heritage project were recently awarded the UNESCO Asia Pacific Award 2023? Kitne Indian project hain jinko मिला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023? तो ये इंडिया के 6 प्रोजेक्ट को मिला है।
Where will the 6th edition of Khelo India Youth Games be held in January 2024? January 2024 में 6th edition हो रहा है Khelo India Youth Games का, ये हो रहा है तमिलनाडु में. According to the recent India Skill Report 2024, which is the most preferred state to work in India? Skill India, India Skill Report 2024 के द्वारा बताया गया है कौन सा स्टेट है जो मोस्ट प्रिफर्ड है फॉर वर्क इन इंडिया. ये केरला है जो मोस्ट प्रिफर्ड स्टेट है. Which ministry recently launched PATH Mitro application? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने PATH Mitro application लॉन्च किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. Recently launched world first commercial lunar mission aims to survey lunar surface. First commercial lunar mission है जो lunar surface को के लिए बनाया गया है, survey के लिए बनाया गया है. Which company has built the Peregrine lunar lander for NASA's Artemis program? NASA का जो Artemis program है उसके लिए Peregrine lunar lander बनाया गया है. ये किस company के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है Astrobotic Technology के द्वारा. Recently, Gabriel Attal has become the youngest prime minister of which country? Youngest prime minister बने हैं Gabriel Attal, France के. In which state college Fathansi mission has been started recently? College Fathansi mission start हुआ है मणिपुर में. What is the name of the assault rifle recently launched by the DRDO? DRDO के द्वारा कौन से assault rifle को launch किया गया है? तो इस assault rifle का नाम है उग्रम. According to the prestigious award by Skytrax in 2023, which airport was crowned the world's best airport for the year 2023? Skytrax के द्वारा अवार्ड दिया गया है. कौन सा एयरपोर्ट है जिसको मिला है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड? ये है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट. सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को मिला है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.